वेलकम टू ISCS वीडियो क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो सेशन है, ये टाइम एंड वर्क के पार्ट फोर्थ पे, और टाइम एंड वर्क के पार्ट फोर्थ से पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री किया। पार्ट वन में कुछ बेसिक टाइप्स क्वेश्चन थे, पार्ट टू में उसी क्वेश्चन को कुछ हाई लेवल का बनाया गया, फिर पार्ट थर्ड में तीन लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो भी कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे। अब जो पार्ट फोर्थ का क्वेश्चन है वो भी तीन लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, और फ्रेंड्स अभी तक देखा भी गया है कि तीन लोगों से ज्यादा अभी तक पूछा नहीं गया है। CGL या CHSL की बात करें, जो कि उसका ये बड़ा फेवरेट चैप्टर है, उसमें से एक आध क्वेश्चन तो होता ही होता है फ्रेंड्स। और अभी तक आपने मेरा तीनों वीडियो देखा, आपको लगा होगा कि हम लोग इजी वे में आसानी से इसको कर रहे हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं और इसको फिर देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ क्या रहा है, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हुआ है, क्योंकि टाइम एंड वर्क का जितना भी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है वो सब यूनिट बेस पे था, और यूनिट बेस पे हम लोगों के क्वेश्चन को फ्रेम कैसे फ्रेमिंग हुआ है इसको अगर आप एक बार समझ लें तो इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन के फ्रेमिंग को देखते हैं। बोल क्या रहा है, देखिए, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, तो सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। बोलता क्या है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करें। क्वेश्चन समझ रहे होंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अभी तक जो ए ने वर्क किया, क्या 1/2 वर्क किया, कितने डेज में 1/2 वर्क किया, 5 डेज में। तो हम लोग ऐसा करते ना, पहले उस कंप्लीट वर्क को ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ए के टोटल डेज को फाइंड कर लेते, फिर बी के टोटल डेज को, फिर सी के टोटल डेज को। अगर सबका टोटल डेज आप फाइंड कर लोगे ना तो यूनिट बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिए कि हम लोग क्या करें, हम लोग टोटल वर्क कराए, ठीक है, और ए को अगर करा रहे हैं तो ए उस टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, बी उस टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, और सी उस टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, आप उसको पहले फाइंड कर लीजिए। क्लियर? तो पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं, फिर क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, जैसे ए कितना वर्क है, 1/2 पार्ट ना, 1/2 पार्ट वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, 5 डेज में। तो वन वर्क को ए कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो क्या कीजिएगा आप, ए इज इक्वल टू लिख सकते हो 5 × 2 = 10। तो ए जो है, ए ये वन वर्क यानी वो उस कंप्लीट वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो 10 डेज में। कैसे पता चला, तो चूंकि 1/2 वर्क को अगर 5 डेज में कर रहा था, कंप्लीट एक वर्क को वो 10 डेज में करेगा नहीं करेगा। क्लियर? फिर सेम इसी तरह से बी की बात करते हैं, तो बी कितना वर्क है, बी कितना वर्क है, तो 3/5 वर्क को, 3/5 वर्क को बी कितने दिनों में कर रहा है, तो 9 डेज में कर रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो बी कंप्लीट उस वर्क को अकेले कितने दिनों में खत्म करेगा ये कर लेते हैं, तो कितने दिनों की बात होगी, तो 9 × 5/3 डेज, यानी हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 3×9 = 15, यानी बी जो कंप्लीट करेगा वो कितने में करेगा, तो 3×3 = 9 हो गया, तो 3×5 = 15। क्लियर? तो 3×5 = 15 होगा, यानी 15 डेज में करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से सी की बात है, अब सी देखिए, सी कितना वर्क है, तो सी जो कर रहा है वो 2/3 वर्क को कितने डेज में, 8 डेज में कर रहा है, तो सी वन वर्क को कितने डेज में करेगा, क्या कीजिएगा, जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो मल्टीप्लाई उसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप अगर करें तो 8 × 3/2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12। अब आपको फ्रेंड्स पता चल गया, अगर हम बात करें ए जो है उस कंप्लीट वर्क को अकेला अगर कर रहा है तो कितने डेज में कर रहा है वो, 10 डेज में। बी जो है, बी उस कंप्लीट वर्क को अकेला अगर कर रहा है तो कितने डेज में कर रहा है, तो बी 15 डेज में। और सी जो है अकेला उस वर्क को अगर कर रहा है तो कितने डेज में कर रहा है वो, 12 डेज में। क्लियर? यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि ए को कितना दिन लगा, बी को कितना दिन लगा और सी को कितना दिन लगा उस काम को खत्म करने के लिए।
क्लियर है। अब चूंकि बात यूनिट बेस पे काम हुआ, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अब ए अगर 10 दिन में कोई काम को खत्म कर रहा होगा तो एक दिन में कितना करेगा ये फाइंड कर लें, बी एक दिन में कितना करेगा और सी एक दिन में कितना करेगा, क्योंकि वन डे का जो वर्क होगा वो उसकी एफिशिएंसी होगी। क्लियर है? तो हम लोग पहले तो टोटल वर्क पता करें कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क को फ्रेंड्स हमने बताया है आपको क्या करना है, तो सबका हम लोग एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा। तो किसका किसका एलसीएम लेना है ये आपको पता ही होगा, ये हम नहीं बताएंगे। क्लियर? तो आपको पता है क्यों, क्योंकि 10, 15 और 12 का आपको एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 60 क्या है आपका, टोटल वर्क। अगर 10 डेज में 60 वर्क होगा तो एक दिन में इसका कितना हो जाएगा, 6 वर्क। 15 डेज में 60 वर्क करेगा तो वन डे में कितना करेगा, 4 वर्क। और 12 डेज में अगर 60 करेगा तो वन डे में कितना करेगा, तो 5 वर्क करेगा। ये जो 6 है और 5 है और ये 6 है, 4 है और 5 है, ये सब लोगों की अपनी अपनी एफिशिएंसी है। ए की बात करें तो ए वन डे में 6 वर्क करेगा, ये इसकी अपनी एफिशिएंसी है। बी की बात करें तो बी वन डे में 4 वर्क करेगा, ये इसकी अपनी एफिशिएंसी है। और सी की भी उसी तरह से अपनी एफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना चल रहा है उसको पहले माइंड कर लेते हैं। तो तीनों का एक दिन का वर्क की अगर बात करें तो तीनों के एक दिन का वर्क यानी ए प्लस बी प्लस सी के वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, तो 6, 4, 10 और 5, 15 यानी ये 15 वर्क जो है वो तीनों का क्या होगा, वन डे का वर्क होगा। अब तीनों का अगर वन डे का वर्क आपको पता चल गया हो और एक दिन में तीनों 15 काम कर रहा है तो काम टोटल है कितना आपका, 60 ना। तो क्या कीजिएगा, 15 से 60 में डिवाइड करेंगे तो आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा, यानी तीनों कितने दिन में मिलकर खत्म करेगा वो पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग डेज फाइंड कर लेते हैं। तो डेज इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 60 बाय क्या, 15 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 डेज या 4। क्लियर? और ये जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन को इजी वे में आप कर सकते हैं। जो आपने देखा, क्या देखा आपने, देखा कि 1/2 वर्क को 5 डेज में, तो कंप्लीट उस वर्क को कितने डेज में वो करेगा, उसके ए के कंप्लीट डेज में, सॉरी कंप्लीट वर्क को खत्म करने का डेज पता कर लो बी के, उसी तरह से सी के, और आराम से हम लोग क्या करेंगे उसको निकाल दें तो वन डेज में, और वन डेज को जोड़ के फिर डिवाइड कर दें तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं इसी टाइप का, देखिए क्या होता है। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा, अब आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने तीन लोगों का लिया था कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो टाइप था वो, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के टाइप, उसको हम लोगों ने किया। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बट ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये तीन लोगों पे ही रिलेटेड है बट इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। क्या थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, फिर बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी वर्क को 20 दिनों में खत्म करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। अभी तीनों मिलकर काम को करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, लास्ट में क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है, क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, क्या बोला गया है कि ए और बी, मतलब तब दोनों साथ होगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर वर्क कर रहा होगा, और जब दोनों मिलकर वर्क करेगा उस वर्क, कोई भी एक वर्क को, तो कितने डेज में खत्म करेगा, ये 10 डेज में। इसका क्या मतलब है कि ए और बी दोनों मिलकर 10 डेज तक वर्क किया, तभी जाके वो वर्क क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। क्लियर? समझ रहे होंगे चीजों को। फिर बी और सी की बात हो रही है, बी और सी मिलकर उसी वर्क को कितने डेज में खत्म कर रहा, देखिए तो 12 डेज में, यानी बी और सी जो है वो 12 डेज में वर्क को खत्म कर रहा है। यहां तक क्लियर है? फिर इसी तरह से फिर क्या है, सी और ए, अब ये दोनों मिलकर फिर वर्क को कितने डेज में बात करें तो 10 डेज में। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी अकेला, यानी ए के साथ अगर बी
या बी के साथ ए अगर दोनों मिलके वर्क को करे तो 10 दिन लग जाएगा, फिर बी के साथ अगर सी कोई दूसरा बंदा इंक्लूड है और दोनों मिलके करे तो 10 डेज और 12 डेज लगेगा, और सी के साथ ए करे तो कितना डेज लगेगा भाई, 20 डेज लगेगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग तब क्या करोगे, वर्क पता करोगे कि वर्क है कितना। तो कैसे वर्क पता करोगे, तो तीनों का एलसीएम, क्यों किन तीनों का एलसीएम, तो ए बी सी के, ए बी के 10 डेज, बी सी का 12 डेज और सी ए का 10 डेज, यानी ये तीनों का एलसीएम। ये तीनों का एलसीएम क्या बताता है आपको पता है ना, इससे पहले भी क्वेश्चन बताया, उससे पहले भी बताया, उससे भी पहले बताया, तो क्या होता है वो टोटल वर्क बताता है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा अगर आप सबका एलसीएम लेते हो तो, इसका 10, 12 और 20 का, तो 60 हो जाएगा। और ये 60 जो है ये आपका क्या होगा, टोटल वर्क। क्लियर? अब बी सॉरी ए और बी दोनों 10 दिन में 60 वर्क कर रहा होगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेगा, ये तो हम लोग पता कर ही सकते हैं ना, कितना, तो 6 वर्क। क्लियर है? बी और सी 12 डेज में 60 वर्क कर रहा है, तो वन डे में कितना करेगा, 5 वर्क। और सी और ए 20 डेज में 60 वर्क कर रहा है, तो वन डे में कितना करेगा, 3 वर्क। क्लियर? यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि ए बी के वन डे का, यानी ए बी की एफिशिएंसी की बात करें तो एक दिन की एफिशिएंसी 6, बी सी के एक दिन की एफिशिएंसी 5 और सी ए के एक दिन की एफिशिएंसी 3। क्लियर है? अब चूंकि तीनों मिलकर साथ काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, इसका मतलब है कि ए बी और सी तीनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद वन डे का जो एफिशिएंसी होगा उससे टोटल वर्क में अगर डिवाइड करेंगे तो वो आपका आंसर होगा। तो हम लोग क्या करोगे, सबको जोड़ोगे, तो सबको अगर आप जोड़ रहे होते हैं तो देखिए 1A और 1A यानी 2A है ना, तो 2A। फिर देखिए 1B और 1B कितना B है, तो 2B है यानी 2B, और देखिए उसी तरह से C को तो 2C है। अब AB के 1 डे का वर्क कितना है, 6, तो लिख दीजिए आप 6। BC के 1 डे का वर्क 5, तो लिखिए 5। और CA के 1 डे का वर्क कितना, तो 3। कोई दिक्कत है, अगर आप सबको जोड़ लें, ठीक है, और सबको जोड़े तो कितना हो जाएगा, 15, किसका, 2A 2B और 2C के 1 डे का वर्क होगा। तो क्या यहां से 2 कॉमन होगा या नहीं होगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा ना, आप 2 कॉमन ले लीजिए। अगर आप 2 कॉमन ले लें तो बच क्या रहा है, A प्लस बी प्लस सी बच रहा है। अब A प्लस बी प्लस सी आ गया ना, क्वेश्चन भी बोलता है कि तीनों मिलकर साथ काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो देखिए तीनों मिल गया ना, और तीनों मिलके एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, तो एक दिन में 14 वर्क कर रहा है। यहां तक तो क्लियर है कि तीनों मिलके एक दिन में 14 वर्क कर रहा है, तो हम लोग क्या करोगे, सॉरी तीनों मिलके एक दिन में नहीं, मतलब टू आपने कॉमन लिया था, ए प्लस बी प्लस सी आ गया आपका, तब आपका 14 है ना, तो आप तीनों के एक दिन का वर्क फाइंड कर सकते हो। तो क्या लिखोगे आप, तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 बाय 2, यानी अब आपको पता चल गया वन डे का वर्क तीनों का कितना, तो 7 वर्क। कोई दिक्कत है कि A बी सी एक दिन में 7 वर्क करेगा, काम टोटल है कितना, 60, तो ए बी सी ना बोल रहा है, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, यानी ए बी सी तीनों मिलकर उसको कितने दिन में खत्म करेगा, तो ए बी सी आपको पता है 7, 7 से आप 60 में डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा, तो ए बी प्लस सी का जो डेज हम लोगों को पता करना है, यानी कितने डेज में ये कंप्लीट कर रहा होगा, तो 60 बाय 7 कितना हो जाएगा, 8 होल 4 बाय 7 डेज, ये आपका कंप्लीट क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? चलिए इसी पे दूसरा एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी तो चूंकि तीनों मिलके कितने दिनों में किया, अब इसी क्वेश्चन पे अगर आपको ऐसा कर देता कि सी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, या बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, या ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है, तो इस टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन आगे कर लेते हैं, वहां और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्लियर? चलिए अब देखते हैं लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट 4 का तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन उसी तरह का है जो हम लोगों ने अभी 2 नंबर क्वेश्चन को किया।
तुम्हें क्या क्या हम लोगों ने ए बी इतने दिन में, बी सी इतने दिन में और सी ए इतने दिन में, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। और उससे पहले भी हम आप उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर बोले कि सी कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा या ए कितने दिनों में करेगा। देखिए सेम टाइप क्वेश्चन आगे आ गया ना। देखिए क्वेश्चन किस तरह से फ्रेमिंग हुआ इसको देख लेते हैं कि ए और बी जो है एक काम को 10 दिनों में कर रहा है, बी सी 15 दिनों में कर रहा है तथा सी और ए जो है वो 20 दिनों में कर रहा है, मैं एक काम को खत्म कर रहा। मतलब सब लोगों का आपको पता चल गया किसका किसका। तो एक ए बी कितने डेज में, तो 10 डेज में। बी और सी कितने डेज में, तो बी और सी 15 डेज में। क्लियर। और सी और ए कितने डेज में, तो सी और ए जो कर रहा है वो 20 डेज में कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि सी अकेला कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, तो सी अकेला उस काम को खत्म करेगा और कितने दिनों में करेगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड करने से पहले सबके एक एक दिन का जो वर्क होगा वो फाइंड करते हैं और उससे फिर सबको अलग अलग हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो टोटल वर्क फाइंड करेंगे आप। तो टोटल वर्क है कितना, आप क्या करोगे, तो सबका एलसीएम लोगे, सबका एलसीएम टोटल वर्क होगा। क्लियर। किसका किसका, तो 10, 15 और 20। 10, 15 और 20 का अगर आप एलसीएम ले रहे होते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, जो क्या हो जाएगा टोटल वर्क। क्लियर। अब देखिए ए बी 10 डेज में अगर 60 वर्क करेगा तो 1 डेज में कितना वर्क करेगा, ये 6 वर्क करेगा। बी और सी 15 डेज में 60 वर्क करेगा तो 1 डे में कितना वर्क करेगा, ये 4 वर्क करेगा। और सी और ए 20 डेज में 60 वर्क करेगा तो 1 डे में कितना वर्क करेगा, ये 3 वर्क करेगा। क्लियर है। अभी तो ए बी बी सी और सी ए के 1 डे का वर्क आपको पता चला। तो हम लोगों को चूंकि चाहिए क्या, सी चाहिए। अब सी कैसे फाइंड होगा आपको हम दिखा देंगे कि सी कैसे फाइंड होता है। तो चलिए हम लोग आप क्या करो, तो पहले तीनों का काम निकाल लो कि तीनों मिलके एक दिन में कितना कर रहा है। अगर तीनों मिलके एक दिन में कितना कर रहा आप वो फाइंड कर लेते हैं तो सी इजी वे में फाइंड हो जाएगा। तो चलिए तीनों का पहले फाइंड करते हैं कि तीनों एक दिन में मिलके करता कितना है। अब देखिए सेम के सारा है कि ए और ए देखिए 2a, बी और बी 2b और सी और ए, सी और सी क्या हो जाएगा 2c। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1 डे में दोनों सब मिलके कितना वर्क किया, तो 6 और 4 10 और 10 और 3 13। क्लियर। अब तीनों मिलके 1 डे में कितना वर्क कर रहा है, तो 6 और 4 10 और 10 और 3 13, तो 13 वर्क हो रहा है, लिख दीजिए 13। क्लियर। अब तीनों अगर बात करें कि ए बी बी सी सी ए सब मिलके 1 डे का वर्क ना 13 है, तो हम लोग यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 13/2 यानी 6/5। और ये तो 6/5 आया, ये 6/5 वर्क है किसका, तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का वर्क है। क्लियर। अभी आपको दिख गया कि ए प्लस बी प्लस सी 1 डे में कितना वर्क कर रहा है, तो तीनों मिलके 1 डे में 6.5 वर्क कर रहा है। ये ए बी सी के कितने डेज का वर्क है, 1 डे का। क्लियर। अब आपको चाहिए क्या, सी, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब फ्रेंड्स एक बात बताइए, जब आपको ए प्लस बी प्लस सी के 1 डे का वर्क आपको पता हो, अगर 1 डे का वर्क 6.5 है, अगर ए बी सी के 1 डे का वर्क अगर आपको पता हो, आपको सी फाइंड करना हो, तो आप देखिए तो यहां से आप कर सकते या नहीं कर सकते, यानी ए बी सी में कौन से वैल्यू को आप घटाओगे जो सी पता चलेगा। तो ए बी सी में अगर हम बी सी घटाएं तो सी तो घट जाएगा ना, तो सी पता ही नहीं चलेगा, या सी ए घटाएं ये भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सी तो फाइंड करना है। तो आप किसको लोगे, ए बी को लोगे ना। अब ए बी 1 डे में वर्क कर कितना रहा है, 6, और ए बी सी के 1 डे का वर्क है कितना, 6.5। इसका मतलब है कि इसमें ए बी के 1 डे का वर्क अगर हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, जो बचेगा वो सी ही तो बचेगा, तो माइनस कर दीजिए आप 6। अब आप अगर माइनस करते हैं तो आप देखिए आपका बी बी कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा, बचा क्या, सी। और सी के 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, देख लीजिए, तो सी के 1 डे का वर्क हो जाएगा
5। अब सी के अगर वन डे का वर्क आपको पता हो कि सी के वन डे का वर्क 0.5 है और टोटल वर्क है कितना 60, तो क्या करोगे आप, सी कितने दिन में 60 वर्क को खत्म करेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, वन डे का वर्क पता है तो 60 में हम लोग 0.5 से अगर डिवाइड कर दें तो सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा ये हम लोगों को पता चल जाएगा। तो डिवाइड कर दीजिए आप इसको 0.5 से डिवाइड कर दीजिए। 0.5 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 120 डेज। यानी हम कहें तो सी काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो सी काम को 120 दिनों में खत्म करेगा। क्लियर, समझ रहे होंगे। अगर आपसे सी नहीं पूछ के पूछा जाता कि बी काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो इस कंडीशन में फाइंड क्या करते आप, बी फाइंड करते। आपको तो ए बी सी के वन डे का वर्क पता है और निकालना आपको बी है। बी निकालने के लिए ए सी घटा देते आप। AC के वन डे का वर्क कितना है, 3 है, तो 6.5 में, चूंकि 6.5 ए बी सी के एक डे का वर्क है और उसमें 3 अगर घटा देते तो आता क्या 3.3, और 3.3 से अगर आप सॉरी 3.5 और 3.5 से 60 में डिवाइड करते तो B का पता चल जाता, उसी तरह से C पता चल जाएगा। क्लियर, तो आगे आप उसको आराम से निकाल सकते हो। तो आपको निकालना है किसका किसका, B का और C का। मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि B और C का क्या आंसर आएगा। क्लियर, चलिए अब इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसे टाइप का, फिर हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन को पहले समझिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन कह क्या रहा है, कैसे फ्रेमिंग हुआ है, आप कैसे सॉल्व करोगे, हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं, ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और ए बी सी उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए सबका दिया गया, अगर कहें तो ए प्लस बी जो है वो कितना दिन ले रहा है भाई, 8 डेज। बी और सी जो है वो कितना डेज ले रहा है, देखिए तो 12 डेज। और ए बी सी, तो ए बी और सी जो ले रहा है वो कितना डेज ले रहा है, तो 6 डेज। फाइंड क्या करना है आपको, ए और सी, मतलब ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमको लग रहा होगा फ्रेंड्स कि आप इस क्वेश्चन के फ्रेमिंग को समझ गए होंगे और आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि कैसे हम लोगों को क्या निकालना है, ए और सी निकालना है। तो चलिए एक बार हम भी दिखाते हैं आपको, अब क्या करोगे, तो आप ए 12 और 6 का एलसीएम लोगे। और एलसीएम क्यों लेते हैं ये आपको पता है, क्यों लेते हैं नहीं बताएंगे। तो 8, 12 और 6 का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो 24 यानी 24 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। क्लियर, अब ए भी 8 डेज में अगर 24 वर्क करेगा तो 1 डेज में कितना वर्क करेगा, 3 वर्क। बी 12 डेज में, सॉरी बी और सी 12 डेज में 24 वर्क करेगा तो 1 डे में कितना करेगा, 2 वर्क। और ए बी सी 6 डेज में 24 वर्क करेगा तो 1 डे में कितना करेगा, 4 वर्क। निकालना आपको ए और सी के 1 डे का वर्क है, ए और सी को अलग करना है किसी भी कीमत पे और उसके 1 डे के वर्क को फाइंड करना। और जैसे भी ए और सी आपको पता चल जाएगा, दोनों के 1 डे के वर्क को जोड़ के टोटल वर्क में अगर हम डिवाइड करें तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। नहीं तो चलिए अब देखिए, तो यहां से हम लोगों को सबसे पहले तो ये प्रायोरिटी देनी है कि ए बी सी यानी तीनों मिलके, तो ए बी सी तीनों मिलके 1 डे में 4 वर्क कर रहा है। इसका मतलब है कि ए बी सी के 1 डे का जो वर्क है वो क्या है, 4 है। हम लोगों को ए चाहिए और ए अगर हम फाइंड करें तो ए बी सी में कौन से वैल्यू को आप घटाओगे जो आपको ए दे देगा, तो ए बी को तो आप घटाओगे नहीं चूंकि ए तो ऑलरेडी यहां पहले से है, तो आप घटाओगे किसको, बी सी को ना, तो बी सी को घटाओगे। तो ए बी सी के 1 डे के वर्क में बी सी का 1 डे का वर्क अगर आप माइनस करते हो तो बी सी के 1 डे का वर्क है कितना, 2। तो हम लोग क्या लिखें कि बी प्लस सी के 1 डे का वर्क आप माइनस कर दीजिए, तो बी सी के 1 डे का वर्क अगर हम माइनस कर दें तो 4 में से 2 आप जब माइनस करोगे तो आपका बचेगा क्या,
टू ना, और टू जो बचेगा वो कौन होगा, तो ए होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए के वन डे का वर्क क्या पता चल गया आपको, तो फोर में से टू आपने माइनस किया तो टू पता चल गया। ये किसका पता चला फ्रेंड्स, ए का। उसी तरह से आपको निकालना क्या है, सी। तो फिर कुछ नहीं करना, आपको यही आना है क्योंकि आपको पता है क्या, तो ए बी सी के वन डे का वर्क आपको पहले से पता है। ए बी सी के वन डे का वर्क क्या है, तो फोर है, निकालना आपको सी है। तो ए और बी अगर इस पे घटाएंगे तो सी आ जाएगा, क्लियर। तो ए बी सी में ए बी के वन डे का वर्क आप माइनस कर दो, तो ए प्लस बी के वन डे का वर्क आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ए बी सी के वन डे का वर्क कितना हो जाए, कितना है, तो देखिए ए बी के वन डे का वर्क है थ्री, ए बी सी के वन डे का वर्क है फोर। तो ए बी सी में ए बी माइनस करें तो यानी फोर में से थ्री हम माइनस कर दें तो बचा क्या, वन ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सी के वन डे का वर्क क्या आ रहा है, तो वन आ रहा है। तो सी के वन डे का वर्क भी फ्रेंड्स आपको पता चल गया। और जब सी के वन डे का वर्क आपको पता चल गया, आपको ए के वन डे का वर्क पता चल गया, दोनों को जोड़ दें तो ए प्लस सी के वन डे का वर्क क्या होगा, तो ए प्लस सी के वन डे का वर्क हो जाएगा थ्री। टोटल वर्क है कितना, 24। तो 24 में अगर आप थ्री से डिवाइड कर दें तो ए प्लस सी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा वो पता चल जाएगा, क्लियर। तो चलिए निकाल देते हैं, हम लोगों को निकालना क्या है, ए सी क्या डेज, यानी ए सी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। तो ए सी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, तो 24 बाय 3 डिवाइड कर दें तो 24 बाय 3 यानी क्या हो जाएगा, 8 होगा, और 8 डेज आपका क्या होगा, ए सी का आंसर होगा। यानी ए सी उस 24 वर्क को कितने डेज में करेगा, तो 8 डेज में करेगा। क्लियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब अगर क्वेश्चन की बात करें इसी तीन लोगों में, तो अभी तक हम लोगों ने पैसे से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं किया है कि अगर इतना रुपए की मजदूरी है, तीन लोग वर्क कर रहा है, तो तीनों को किस हिसाब से, किस रेशियो से पैसा बटेगा, वो उस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। और फिर हम लोग उसके बाद धीरे 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 अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी करेंगे। अगर फ्रेंड्स मेरा ये आज का वीडियो टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ डाउट हो कि कहीं कुछ मिस हो रहा है या ये हो रहा है, तो मतलब मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखें और सुझाव दें, हम उसको और अच्छे से आपके सामने ला सकें।